नमस्ते, मेरा नाम सुमन है। सुमन किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको गोंद के लड्डू दिखाने जा रहे हैं। गोंद के लड्डू के लिए ड्राई डेट्स घर में किया हुआ, एक कटोरी पाउडर लिया है हमने एक कटोरी से, और सूखा हुआ नारियल कद्दूकस किया हुआ भून लिया है एक दो कटोरी है, काजू का पाउडर एक कटोरी है, बादाम का पाउडर एक कटोरी है, और खसखस और जायफल का पाउडर आप कटोरी है, और इलायची आप चमचा लेना है, शुगर बाद में हम बताएंगे, और गोंद घी में तले हुए हाथ से क्रश किए हुए एक एक कटोरी से एक है, और किशमिश एक कटोरी है, थोड़ा सा पानी लेना है, और घी एक तीन चार चम्मच चाहिए। सब ये सब पदार्थ एक जैसे मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं ताकि चीनी इसके हिसाब से ले सकते हैं। चेकअप हुआ है, चेकअप मतलब एक कप के लिए हाफ कप से कम चीनी लेना है, एक कप के लिए हाफ कप से कम चीनी लेना है। अपने हिसाब से अगर ज़्यादा चीनी चाहिए तो और थोड़ा सा आप कप भी आप ले सकते हैं। छः कप बराबर हिसाब से आप से कम लिया है। अभी हम इसकी चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। ये चीनी लेके एक बर्तन में डालते हैं और चीनी भीगने तक उतना ही पानी डालते हैं। चीनी भीगना चाहिए पानी में। अभी हम गैस जलाते हैं। चाशनी लेके 5 मिनट उबल गया है। चाशनी लेके थोड़ा सा पानी में धीरे से डालते और उंगली से अच्छी तरह से उसको थोड़ा ऐसा करते, मतलब ये गोल जो है चीनी का थोड़ा सा ऐसा पास आता है। ये एकदम इजी तरीका है। अभी वो तैयार हो गया है चाशनी। हम गैस बंद करते हैं और इसमें ये सब मिश्रण डालते हैं। डालने के बाद उसको अच्छी तरह से हिलाते हैं। अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसको आधा घंटा छोड़ देते हैं ताकि सब मिश्रण एक जैसा मिक्स हो जाए इसमें। आधे घंटे के बाद इसको निकाल के अच्छी तरह से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद ऊपर से 4 टेबलस्पून घी डालना। घी डालने के बाद और थोड़ा मिक्स करना। फिर इसको एक थाली में निकालना। और हाथ से थोड़ा सा मिक्स करना। मिक्स करने के बाद यह अभी परफेक्ट लड्डू के लिए तैयार हो गया है।
आपको और थोड़ा घी चाहिए तो भी डाल सकते हैं। गार्निशिंग का प्लेट तैयार है, लड्डू भी तैयार हो गए हैं। प्लेट में लड्डू रखते हैं। लीजिए हमारे लड्डू डिंग के तैयार है। थैंक यू। My light when darkness creeps on me. Oh.